गुड मॉर्निंग एवरी वन सो टूडे वी विल बी डूइंग मैराथन पार्ट टू एंड बी स्टार्टिंग विध सोर्स ऑफ लॉ सोर्स ऑफ लॉ चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ लॉ चैप्टर में जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है सोर्स ऑफ लॉ चैप्टर में हमें ये डिस्कस करते हैं कि ज्यूरिस्ट ने हमें क्या क्या लॉ की थ्योरीज दी हैं जो थ्योरीज आगे चल के हमने यूज करी हैं। सो देयर आर फाइव ब्रॉड स्कूल्स ऑफ सोर्स ऑफ लॉ दो स्कूल्स आर नैचुरल पॉजिटिविस्टिक हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्टिक नेचुरल स्कूल में थ्योरी जो दी गई है वो दी गई है सैलमिन के थ्रू सैलमिन ने बोला है कि दिस इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स जो रिकॉग्नाइज और अप्लाई करे गए हैं स्टेट से और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से राइट right? इस ने बोला गया है कि लॉ जो है वो धर्मा का पार्ट है लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ धर्मा धर्म का पार्ट है देन पॉजिटिविस्टिक स्कूल पॉजिटिविस्टिक स्कूल में जॉन ऑस्टिन जॉन ऑस्टिन ने पॉजिटिविस्टिक स्कूल के लिए बोला गया है और कैल्सिन ने बोला है जॉन ऑस्टिन और कैल्सन दोनों ने पॉजिटिविस्टिक के लिए डेफिनेशन दी है कि लॉ जो है वो ह्यूमन बीइंग को पॉलिटिकली सुपीरियर बनाती है क्या बनाती है पॉलिटिकली सुपीरियर लॉ ह्यूमन को पॉलिटिकली सुपीरियर बनाती है और ये सॉवरिन पावर है सॉवरिन पावर क्या सी पावर है सॉवरिन पावर है देन कैल्सिन ने बोला है कि जो पॉजिटिविटिस्टिक डेफिनेशन में कैल्सिन ने बोला है कि इट इज़ अ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इट इज अ प्योर थोरी ऑफ लॉ दे हिस्टोरिकल डेफिनेशन इसमें सैविग्निक की थ्योरी आई हुई है उन्होंने बोला है कि लॉ जो है वो हमने फाउंड करी है लॉ जो है वो बनाई नहीं गई है लॉ फाउंड होती है लॉ बनाई नहीं जाती है लॉ जो है वो यूनिवर्सल है सबके लिए सेम है लॉ जो है कस्टम्स को फॉलो करने के लिए कस्टम्स वजह से लॉ इस तरीके से दिखती है पहले के कस्टम्स को हमने देखा पहचाना और उसके बाद लॉ को इस तरीके से बनाया गया और ज्यूरस जो होते हैं वो लेजिस्लेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं देन सोशलॉजिकल डेफिनेशन सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन में रॉस्क्यू पाउंड की डेफिनेशन आई है और उन्होंने सोशल वॉन्स को ऊपर रखा है किसको ऊपर रखा है सोशल वॉन्ट्स को सोशल वॉन्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट अगर इंसान की इच्छाएं पूरी हो रही हैं अगर इंसान के वॉन्ट्स पूरे हो रहे हैं तो अल्टीमेटली इंसान सेटिस्फाई हो जाएगा दिस इज वॉट इज सेड बाय रॉस्क्यू पॉन्ट देन इट इज रियलिस्टिक डेफिनेशन रियलिस्टिक डेफिनेशन इज गिवेन बाय होम्स होम्स ने रियलिस्टिक डेफिनेशन दी है उन्होंने बोला है लॉ जो है वो प्री सपोजेस एज स्टेट है मतलब स्टेट के हिसाब से लॉ जो है धीरे थोड़ी थो बहुत मोल्ड करी जाती है लॉ जो है सर्कम के अकॉर्डिंग बनाई जाती है पब्लिक फ़ोर्स करती है लॉ बनाना कैसे फोर्स करती है उसने कोई गलत चीज़ें करी होती हैं लॉ को ब्रेक किया होता है लॉ के ब्रेक होने के बाद पब्लिक जब लॉ को फोर्स करती है कि आप ये भी रूल निकालो तब जाके लॉ उस हिसाब से बनती है जो लॉ होती है वो तीन टाइप की होती है मैंडेटरी प्रोहबिटिव परमिसिव। मैंडेटरी मतलब आपको मना ही कर रहे हैं सॉरी मैंडेटरी मतलब आपको करना ही करना है प्रोहबिटिव मतलब आपको मना किया जा रहा है परमिसिव मतलब कि आपको यहां पे आपको प, आपको यहां पर क्या करना होता है परमिसिव में सर्टेन कंडक्ट फॉलो करना होता है अगर आप एक्चुअल में परफॉर्म करना चाहते हो सर्टेन कंडक्ट ऑफ एक्ट आपको परफॉर्म करना होता है अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो डेट इज परमिसिव देन देर आर टू सोर्सेज हेड ऑफ इंडियन लॉ फर्स्ट इज प्रिंसिपल सोर्स एंड सेकेंडरी इज सेकेंडरी सोर्स प्रिंसिपल सोर्स में सबसे पहले आता है कस्टम कस्टम जो है वो वो हमारी रीति रिवाज हैं जो पहले से चले आ रहे हैं उन रीति रिवाज को फॉलो करना हमारी कस्टमरी लॉ होती है और बहुत सारी लॉज जो हैं वो कस्टम्स के साथ ही बनी हैं कस्टम्स के बाद ही बनी है कस्टम्स के साथ ही बनी है कस्टम्स में क्लासीफाई कस्टम्स को हम करते हैं कस्टम विदाउट सैंक्शन कस्टम हैविंग सैंक्शन सैंक्शन मतलब क्या होता है यस yes. तो कस्टम विदाउट सैंक्शन कस्टम हैविंग सैंक्शन दो टाइप से हम कस्टम्स को डिवाइड कर रहे हैं हम्म hmm. नेक्स्ट इज कस्टम्स जो है वो जिनकी सैंक्शन होती है वो एनफोर्स करा जाते हैं स्टेट से और जिनकी सैंक्शंस नहीं होती हैं वो नॉन ऑब्लिगेटरी होते हैं वो पब्लिक ओपिनियन है अपनी मोरालिटी है कि आपको परफॉर्म करने हैं तो आप करोगे नहीं करने तो नहीं करोगे ठीक है विदाउट सैंक्शन विदाउट पेनल्टीज विदाउट पनिशमेंट्स और हैविंग सैंक्शन विद पेनल्टीज विद पनिशमेंट्स हैविंग सैंक्शन हैविंग सैंक्शन वाले जो कस्टम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं लीगल कस्टम्स और कन्वेंशनल कस्टम्स लीगल कस्टम्स क्या होते हैं जो बाउंड बाय लॉ होते हैं लॉ से बाउंड है लीगल कस्टम्स में दो टाइप के कस्टम्स होते हैं लोकल कस्टम्स एंड जनरल कस्टम्स लोकल कस्टम्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर लोकेलिटी के फेमस कस्टम्स होते हैं और जनरल कस्टम्स होते हैं जो थ्रू आउट द कंट्री यही प्रिवेलेंट है कन्वेंशनल कस्टम्स क्या होते हैं जो बार बार यूज करने के बाद मतलब बार बार हम ऐसे चीजें करते थे जिसकी वजह से वो कस्टम बन गए दैट इज कन्वेंशनल कस्टम्स रेकोजाइट क्या क्या है वैलिड कस्टम के पहला एंटीक्विटी पुराने टाइम से चले आने चाहिए सर्टेन होने चाहिए रीजनेबल होने चाहिए कि लोगों ने फॉलो करें कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए कि वैलिड होने चाहिए कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व होने चाहिए कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए लॉ की कंफर्मिटी होनी चाहिए यूनानमिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए सब लोग अग्री करने चाहिए, होने चाहिए सब लोग पीसफुली शांति से उन कस्टम्स को फॉलो करें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि आज कुछ और फॉलो किया कल कुछ और रेगुलर बेसिस पे एक ही तरीके से चीजों को फॉलो करते आना है देन सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज जुडिशियल डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट्स जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स होता है कि कोई केस कोई पैटर्न डिसाइडिंग केस है उस डिसाइडिंग केस को आप री uh, एनालाइज करके जो प्रेजेंट केस है उस पे पुट करते हो तो पास्ट डिसीजंस को फ्यूचर केसेस के लिए अगर आप यूज करते हो उसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट्स में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज हाई कोर्ट्स डिसीजन हाई कोर्ट का डिसीजन जो है सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है और एक हाई कोर्ट का डिसीजन जो है दूसरे हाई कोर्ट के लिए से वैल्यू रखता है कि आपको फॉलो करना है तो करो उसके केस स्टडी के अकॉर्डिंग चलना है तो चलो नहीं चलना तो मत चलो अगर एक जज है तो वो स्मॉलेस्ट बेंच होती है दो जज हैं तो डिविजन बेंच होती है और दो तीन से ज्यादा जजेस हैं तो उसे फुल बेंच बोला जाता है देन सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होता है उसके डिसीजन सब पे बाइंडिंग होते हैं और इसमें प्रेसिडेंस में डिक्लेरेटिव और ओरिजिनल प्रेसिडेंस हैं परजवेसिव प्रेसिडेंस के बारे में डिस्कस किया गया है डिक्लेरेटिव और ओरिजिनल डिक्लेरेटिव और ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स मतलब होते हैं जो पहले से डिक्लेयर कर दिए गए हैं डेट इज डिक्लेरेटिव और ओरिजिनल प्रेसिडेंट मतलब होता है कि जो अभी अभी केस आया है और आप अभी अभी उसकी केस लॉ निकालोगे तो वो ओरिजिनल होता है परजेसिव क्या होता है जजेस को जरूरी नहीं है कि फॉलो करना ही करना है बट वो कंसिडरेशन में ले सकते हैं उस डिसीजन को उस पास डिसीजन को और कंसिडरेशन में लेके देख सकते हैं कि हमारे लिए कितना जरूरी है दैट इज परिव देन एब्सल्यूटली अथॉरिटेटिव प्रोसीडिंग मतलब जज को फॉलो करना ही करना है एप्सोल्यूटली अथॉरिटेटिव एब्सल्यूटली अथॉरिटेटिव मतलब जज को फॉलो करना ही करना है Uh, that That is 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 absolutely authoritative that is condi next is conditionally authoritative precedents. Conditionally authoritative decisions matlab कि कुछ circumstances होंगे उन circumstances को एनालाइज करके रीचेक करके फिर आप uh, उन decisions को फॉलो करोगे अगर आपके फेवर में होंगे तो डैट इज कंडीशनली authoritative precedents. देखो एक बार नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस इज दैट कि आपको जो भी डिसीजन दिए गए हैं उन सबको फॉलो कराना है और अनसेटल नहीं करना के लिए जो चीज़ें इस्टब्लिश हो गई हैं वो फॉलो करनी करनी है इससे सर्टिनिटी बनी रहती है यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है और सेम केसेस के सेम डिसीजंस लाने से बहुत ज्यादा दिक्कतें कम हो जाती हैं तो लाइक केसेस शुड बी डिसाइडेड अलाइक डैट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिज इससे क्या होता है पब्लिक पॉलिसी मेंटेन रहती है और आप स्ट्रिक्टली सारी सब की सारी, सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो फिर Uh, जो यूनिफॉर्मिटी है सर्टेनिटी है मेंटेन रहेगी रिजिड डॉक्ट्राइन जो है वो हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ जस्टिस पे है नेक्स्ट इज रेशो डिसेंडी रेशो डिसेंडी रेशो डिसेंडी क्या होता है रेशो डिसेंडी इज प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड Your principle must be followed. What is being said should be followed. Material facts को uh, आपको consider करना है और सारे इम material facts को आपको हटा देना है आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये मैं डिसाइड कर रही हूँ तो इसके पीछे रीजन क्या है रीजन फॉर डिसाइडिंग शुड बी नोन दिस इज द रूल ऑफ लॉ विच इज फॉर्मुलेटेड बाय द जज दिस इज द रूल ऑफ द लॉ विच इज फॉर्मुलेटेड बाय द जज और वो रीजन के बेसिस पे डिसीजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं मटीरियल इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं और फिर आपको डिसीजन सुना देते हैं यस, नेक्स्ट इज ऑबिटो डिक्टा ऑबिटो डिक्टा मतलब इट इज सेट बाय द वे ऑबिटर डिक्टर का लिटरल मीनिंग क्या है इट इज सेट बाय द वे नो बडी इज बाउंड टू फॉलो दिस इजिव दिस इज दिस इज अ काइंड ऑफ पर्जुसिव थिंग कि आपको फॉलो करना है तो करोगे नहीं करना तो नहीं करोगे येस जजेस आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम ऑल दो दे कैन टेक एडवांटेज फॉर देम then next third thing is statutes or legislatures statutes or legislatures are the declarations which are created by the legislation legislation हमारी दो टाइप की होती है सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन सुप्रीम लेजिस्लेशन मतलब जिसको पास सारी की सारी चीजें डायरेक्टली स्टेट पावर से आती है कॉन्स्टिट्यूशन से आती है इसको कोई और अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है सब ऑर्डिनेट पावर आ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव जिनको एक ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सॉवरेन अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट्स आर अलाउड टू मेक डिसीजन रेगुलेशन्स फॉर द प्रोसीजर्स एग्जीक्यूटिव जो है उसे फॉलो कराता है एडमिनिस्ट्रेट कराता है जुडिशरी जो है अगर कोई डिसीजन फॉलो करा और वो फॉलो करना चाहिए था आपने नहीं किया उसके अगेंस्ट पेनल्टीज क्रिएट करता है नेक्स्ट चीज़ पर्सनल लॉ पर्सनल लॉ में हमारा होता है श्रुति श्रुति फोर वेदास इंक्लूड करती है स्मृति स्मृति में जो है हमारे मानुवेद वेद यजनवल्क्याद मेय वेद और नारद वेद के बारे में डिस्कस किया जाता है देन कुरान कुरान के बारे में डिस्कस किया गया है हादीस के बारे में जो प्रॉफिट की प्रिंसिपल्स होती हैं एयास उसके बारे में किया गया है कियास और बहुत सारी कॉमेंट्रीज़ जो मोहम्डन लॉ में निकाली गई हैं सो so, हिंदू और मोहम्डन की अपनी 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 पर्सनल लॉज हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं नेक्स्ट इज जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस में क्या होता है कि अगर इंडियन कोर्ट के पास जब वो डिसीजन ले रहे हैं तो उनके पास कोई लॉ नहीं है उनके पास कोई कस्टम नहीं है तो वो जस्टिस इक्विटी एंड कंसाइंस को कंसिडर करते हैं ये चीज़ जो है ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से डिराइव की गई थी बहुत सारे कोर्ट्स अगर लॉ की एबसेंस होती है तो जस्टिस इक्विटी और गुड कंसाइंस को कंसिडर करके डिसीजनस को सुनाते हैं इंग्लिश लॉ के चीफ सोर्सेज हैं कॉमन लॉ लॉ मर्चेंट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैचू लॉ कॉमन लॉ वो लॉ होती है जो जजेस इवॉल्व करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केसेस केसेस के दौरान जब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं और जजेस उसको कंसिडर करते हैं और फिर उससे अपनी एक लॉ बनती है दैट इज़ नोन एज कॉमन लॉ देन लॉ मर्चेंट मर्चेंट लॉ मतलब जब ट्रेडिंग करते हुए जो लॉ की जरूरत होती है वो होती है हमारी मर्चेंट लॉ ट्रेडिंग के दौरान प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब जो होता है इम्पेरेटिव लॉ होती है जो डिपेंड करती है सिचुएशंस पे इम्पेरेटिव <coughs> लॉ होती है जो डिपेंड करती है स्टेटस पे स्टैचू लॉ स्टैचू लॉ लेजिस्लेशन से डिराइव की जाती है पार्लियामेंट से डिराइव की जाती है और स्टैच्यू लॉ में बहुत सारी डेलीगेशन की जाती है ये हम अभी कर चुके हैं ना ये सब हमने ऊपर डिस्कस किया था ये सारे स्कूल्स मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने इसका क्रिटिसिज्म और इसकी पॉइंटोज लिखवाए थे तो रिविजन के टाइम पे वही ओपन कर लेने आपने रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ के मैंने लिखवाए थे आपको सब के लिखवाए थे इनफैक्ट पॉजिटिव के हिस्टोरिकल के जैसे रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ जो है इट इज़ अ लॉ ऑफ कमांड फॉर सॉवरिन दैट इज़ बैग्ड बाय सैंक्शन राइट ये रिपीट क्यों हो रहा है वन सेकेंड ये सब हम कर चुके हैं ये दिस इज कमिंग अगेन आई डोंट नो इस वाली मेर है सो येस व्हाट इज ज्यूरिस प्रूडेंस ज्यूरिस प्रूडेंस क्या होता है ज्यूरिसूडेंट्स मतलब लॉ क्या कह रही है क्यों कह रही है कह रही है, ये सब ज्यूर होता है ज्यूरिस मतलब लॉ प्रूडेंस मतलब नॉलेज लॉ की नॉलेज नॉलेज ऑफ लॉ रूल कॉन्सेप्ट जब एक्सप्लेन किए जाते हैं लॉ के थ्रू दैट इज ज्यूरिस ज्यूरिस स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ लॉ को पढ़ने पढ़ना लॉ को समझना लॉ क्या कहती है क्यों कहती है कैसे कहती है दैट इज ऑल ज्यूरिस प्रूडेंस ऑस्टिन so ने क्या बोला था ऑस्टिन ने बोला था इट इज अ कमांड इट इज अन अथॉरिटी बिहाइंड इट और इसके क्रिटिसिज्म में हमने तीन चीजें पढ़ी थी कि सॉवरिन इज नॉट बाउंड टू ओबे सेम वन क्यों बाउंड होगा किसी को ओबे करने के लिए और इस वाले जॉन ऑस्टिन की थ्योरी जो थी उसमें कंसिडर जजेस को नहीं किया गया था और इंटरनेशनल लॉ को cover किया कवर नहीं किया गया था दिस इज द थ्योरी ऑफ जॉन ऑस्टिन जिसमें कमान सॉवरन अथॉरिटी और सैंक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है और क्रिटिसिजम में बोला गया है कि इट इज़ नॉट बाउंड टू ओबे सामवन नॉट कंसिडर जजेज एंड इट डज नॉट कवर इंटरनेशनल लॉ हम्म राइट नेक्स्ट इज जेरेमी बेंथन दिस इज दिस इज इंपॉर्टेंट जेरेमी बेंथन जेरेमी बेंथन में कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया था कि आपके सो सब्जेक्ट एक्सटेंट और एस्पेक्ट ये सारी चीजें लॉ को कंसिडर करनी है कि जो आपकी सोर्स है आपका सब्जेक्ट है आपका एक्सटेंट है और आपका एस्पेक्ट है उसने बोला कि लॉ का कॉन्सेप्ट जो है इंपेरेटिव कॉन्सेप्ट है दो सॉवरस होते हैं यहाँ पे पेन या प्लेजर उसने दो चीजों पे फोकस किया पेन या प्लेजर प्रिंसिपल ऑफ बेनोपेलेंस में बिलीव करता था वो उसने बोला कि लॉ का फंक्शन होना चाहिए कि वो मैक्सिमम हैप्पीनेस अचीव करा सके मैक्सिमम हैप्पीनेस अचीव करा सके विच रिजल्ट इन हैप्पीनेस ऑफ ऑल एक इंडिविजुअल की अगर मैक्सिमम हैप्पीनेस पे फोकस करोगे तो सब सब खुश होंगे वो ये बिलीव करता था वो सेल्फिश डिजायर्स ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए काम नहीं करता था बट वो कॉन्शियसली काम करता था ताकि कॉमन गुड होए सब लोगों का भला होए उसका क्रिटिसिज्म था कि वो प्रॉपर अकाउंट ऑफ लॉ को कंसिडर ही नहीं कर रहा वो कस्टम्स एज अ सोर्स ऑफ लॉ को कंसिडर नहीं कर रहा और वो जजेस की बनाई हुई चीजों को भी कंसिडर नहीं कर रहा देखो लिखा है ना ऑब्जेक्ट एक्सटेंट एस्पेक्ट फोर्स इन सब चीजों पे फोकस करता था वो नेक्स्ट इज रॉस्क्यू पॉन्ड रॉस्क्यू पाउंड जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करता था उसने तीन टाइप के इंटरेस्ट डिवाइड कर दिए थे इंडिविजुअल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट उसने डेफिनेशन को लिमिट ही इन तीनों इंटरेस्ट के बाउंड कर दिया था इससे ज्यादा उसने डेफिनेशन को आगे बढ़ाया ही नहीं उसका मेन मोटिव था मैक्सिमेशन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैटिस्फैक्शन इन द वस वो सोशल फैक्ट्स को ज्यादा कंसिडर करता था वो कहता था कि अपने ही आ, लिमिट में रह के अगर हम अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर देते हैं तो उससे अच्छी बात क्या है क्रिटिसिज्म उसका था कि वो प्री एग्जिस्टिंग लॉज और लीगल सिस्टम को बीच में बैलेंस नहीं बना पाया जिसकी वजह से बहुत सारे इंटरेस्ट आज हम देख रहे हैं कि उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं इवेल्युएशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए उसने कोई थ्योरी नहीं बनाई यहां पे जुडिशरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी इन कंपैरिजन टू लेजिस्लेचर्स न्यू इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करा जा रहा था विच इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए थे नेक्स्ट आ जाओ कैल्सिन पे ल्सन में कैल्सन ने नॉर्मेटिव साइंस पे ज्यादा फोकस किया है। वो पॉजिटिविस्ट पॉजिटिविस्ट था उसने इस बात पे डिस्कस किया है कि लॉ है क्या उसने इस बात पे डिस्कस नहीं किया लॉ को क्या होना चाहिए था उसने लॉ को नॉर्मेटिव साइंस बोला है उसने सैंक्शंस को कंसिडर किया और सैंक्शंस को नाम दिया नॉर्म्स पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्म्स के आसपास कैल्सन की थ्योरी बिलोंग करती है उसने नॉर्म्स में जी नॉर्म्स रखे थे जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल नॉर्म्स को वैलिडेट किया गया है। यस, yes, को वो नॉर्म्स के नाम पे बोलता था क्रिटिसिज्म है कि वो सब कुछ ग्रैंड नॉर्म्स के आसपास घुमाता था और ग्रैंड नॉर्म्स जो थे वो सीज टू बी प्योर बिकॉज वो सोशल इकोनॉमिकल हिस्टोरिकल फैक्टर से डिराइव किए गए थे तो वो प्योर नहीं थे इंटरनेशनल लॉ को ये वेल uh, ग्रूम well नहीं कर पाया वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा था इंटरनेशनल लॉ के साथ बट वो कॉन्ट्ररी पढ़ रहे थे अपनी कंट्री लॉ के साथ यस दिस इज इट फॉर द चैप्टर एनी डाउट्स एडमिनिस्ट्रेटिव चैप्टर हमने कल कर लिया था मतलब लास्ट रिविजन पैक में कर लिया था द लास्ट चैप्टर विच इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा सेक्शन फाइव हाँ मैं बुक के अगेंस्ट नहीं बढ़ा रही हूँ अलग से करा रही हूँ देखते जाओ सेक्शन फाइव है जैसे मैंने जब पढ़ाया था तब कराया था सेक्शन फाइव है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इमुबल प्रॉपर्टी को आप रिव रिकवर कर सकते हो इन द सेम मैनर प्रोवाइडेड बाई सी पी सी देन सेक्शन सिक्स हैबल प्रॉपर्टी इफ एनी पर्सन विदउट हिज कॉन्सेंट ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ही मे स यू ही मे फाइल्स यू इन रिकवरी ऑफ पोजेशन अपनी पोजेशन के लिए वो सी कर सकता है दैट इज सेक्शन सिक्स छह महीने की एक्सपायरी हो गई है उसके बाद सीयू नहीं कर सकता और गवर्नमेंट ने अगर बोला है कि प्रॉपर्टी खाली करो मेट्रो बननी है तो भी गवर्नमेंट को भी सीयू नहीं कर सकता यस सेक्शन सेवन रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी को आप भी आप रिकवर कर सकते हो एज पर केसेस प्रोवाइडेड बाय सीपीसी स यस सेक्शन एट लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन इन टाइटल टू इमिडिएट पोजेशन अगर ओनर नहीं है किसी और के पास पोजेशन है तो रिकवर कर सकते हैं कॉम्पन्सेशन इसमें मनी में एडिक्वेट नहीं होता हमें प्रॉपर्टी ही चाहिए होती है हम एक्चुअल डैमेजेस ऑब्वियसली डिफाइन नहीं कर पाते सेक्शन नाइन इज डिफेंस इज रिस्पेक्टिंग सी फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिफेंस आप ले सकते हो यस कॉन्ट्रैक्ट आपका आप डिफेंस ले सकते हो हाँ जी नेक्स्ट इज सेक्शन टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जब कोई स्टैंडर्ड कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक्चुअल डैमेज को एसटेन करने के लिए नॉन परफॉर्मेंस के लिए और जब वो कॉम्पन्न इन मनी ही है फॉर नॉन परफॉर्मेंस तो आप एडिक्वेट रिलीफ उसको नहीं मान सकते हो नहीं मानते हो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड करनी होती है अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्टर टू ट्रांसफर रिमूवल प्रॉपर्टी नॉट बी एडिकुअली रिलीव्ड बाय कंसेशन ऑफ मनी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ब्रीच है तो ऑब्वियसली आप उसको मनी से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हो सेक्शन इलेवन एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कनेक्टेड विथ ट्रस्ट एंड एनफोर्सिएबल एज ट्रस्टी ट्रस्टी के पास पावर होती है स्पेसिफिक रिलीफ की अगर पावर नहीं है तो वो स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दे सकता अगर पावर है तभी वो क्लेम करवा सकता है सेक्शन ट्वेल्व जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर स्मो अगर आपने बोला है कि पूरे बंगलों की डील कर ली पर आपका छोटा ही छोटा सा ही बंगलों में हिस्सा था तो आप बड़े हिस्से का कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं दे पाओगे बट अगर आपका बड़ा हिस्सा था छोटा सा हिस्सा आपका नहीं था तो आप उसका कॉम्पनसेशन दे देते हो सेक्शन 14 सेक्शन 14 में कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलता है कहाँ पे सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस में जहाँ पे कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता बार बार कॉन्टिनुअसली जा, जा के देख नहीं सकता पर्सनल क्वालिफिकेशनस पे जो चीज़ डिपेंडेंट है और डिटर्मिनेबल बाय नेचर है जो कभी भी एंड हो सकती है पार्टनरशिप्स पे डिपेंड करती है डैट इज डिटर्मिनेबल बाय नेचर सेक्शन फिफ्टीन सेक्शन फिफ्टीन मतलब कौन कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं पार्टीज डिमांड कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स डिमांड कर सकते हैं बेनिफिशियरीज डिपांड कर सकते हैं और रिवर्जनर्स डिमांड कर सकते हैं हाँ अमेल्गमेट हुई है तो दो अमेलगमेट दो कंपनीज अमेल्गमेट हुई है तो अमेल्गमेटेड कंपनी डिमांड कर सकती है यस yes, प्रमोटर्स के किए हुए कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी डिमांड कर सकती है नेक्स्ट सेक्शन सिक्सटीन पर्सन बार टू रिलीफ किनको रिलीफ नहीं मिलेगा कौन कौन से हैं जिन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑप्टेन कर ली है परफॉर्मिंग के लिए कैपेबल नहीं है एसेंशियल टर्म्स को वॉयलेट किया है फ्रॉडलिन मैनर में डील करने की कोशिश करी है रूल्स को वॉयलेट किया है और अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट नहीं किया सेक्शन 17, सेक्शन 17 में है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ऑर लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नो स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल कैन नॉट फाइल केस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो मेरी चीज है ही नहीं उसके उसको मैं बोलूं कि ये तो मेरा है और उस पर मैं केस कर दूं तो ऐसा तो नहीं चलेगा दिस इज ऑब्वियसली नॉट अलाउड सेक्शन 19 है हु में ऑन हुम किस पर केस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस uh, का केस कर सकते हैं पार्टी पे कर सकते हैं अमेल्गमेटेड एलएलपी पे अमेल्गमेटेड कंपनीज पे और इनकॉर्पोरेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे तो इन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी कर सकते हैं सेक्शन 20 सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी को अपॉइंट किया कि आप मेरे लिए काम कर लेना उसने काम नहीं किया तो उसके मना करने पे मैंने किसी और को अपॉइंट किया कि आप मेरा काम करो तो जब जिस जिसने मना किया कि वो काम नहीं करेगा मैं उसे नोटिस दूंगी कि भाई आप काम नहीं कर रहे हो तो मैं दूसरे बंदे को अपॉइंट कर रही हूँ। तो बाद में जाके वो बोलेगा आप मेरे से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले लो तो मैं उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लूँगी मैं उससे तब कंपनसेशन लूंगी क्योंकि अगर मैंने पेंट कराना था किसी और बंदे से पेंट करा ही लिया है तो अब मैं दोबारा उससे तो पेंट नहीं कराने वाली नेक्स्ट इज सेक्शन ट्वेंटी ए दैट इज नो इंजंक्शन शाल बी ग्रांटेड बाय कोर्ट इन सी अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर मिले हैं तो वो पूरे करने ही करने हैं उसमें इंजंक्शन का आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा सेक्शन 20 बी स्टेट शुड कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शाल डिग्नेट एनी सिविल कोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कि अगर आप किसी सिविल कोर्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट बिठाना चाहते हो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे मैटर्स को प्रोजेक्ट्स को डील करेगा उनके सारे सारे केसेस को डील करेगा तो आप कर सकते हो 20 सी सेज़ डैट कि आपको 20 12 महीने के अंदर अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कम्प्ली डिस्पोज ऑफ करना है मैक्सिमम एक्सटेंशन आपको इसमें छः महीने की मिलती है कितने महीने की छः महीने की ट्वेंटी ए बी सी कर लिया देन ट्वेंटी सेक्शन ट्वेंटी वन इज पावर टू अवॉइड कॉम्पन्सेशन डैमेज जो है वो मेंशन किया जाएगा कंप्लेन कंप्लेन में ऐसा नहीं है कि आप पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा तो आप बोल रहे हो चलो डैमेज ही दे दो ऐसा ऐसा नहीं कर सकते तो आपको अगर दो चाहिए तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ ही डैमेज लिखोगे सेक्शन ट्वेंटी टू पावर टू ग्रांड रिलीफ फॉर पोजेशन पार्टिशन रिफंड ऑफ ऑनेस्ट असेक्ट्रा मतलब कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ ये सारी अदर रेमेडीज भी डिमांड कर सकते हो आपको कोई मनाई नहीं है सेक्शन ट्वेंटी थ्री इज लिक्विड लिक्विडेशन ऑफ डैमेज नॉट अ पार्ट नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिक्विडेशन ऑफ डैमेज नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर ऑलरेडी मेंशन बाय पार्टीज है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो डैमेज के साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मिलता है उसमें वो बार नहीं होता कि अगर डैमेज मिल रहा है तो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देंगे नेक्स्ट सेक्शन ट्वेंटी बार फॉर स्यू फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिस्मिजल ऑफ स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाटेज डैमेज के लिए अलग से केस नहीं कर सकते अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डिसमिस हो जाता है तो आपको केस डिसमिस ही हो गया आपने क्योंकि साथ में कॉम्पन्शन का बात नहीं लिखी हुई थी सेक्शन 25 फाइव इज एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स एंड डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट्स इसमें आ, इसमें क्या है आप आर्बिट्रेशन के थ्रू अवार्ड्स क्लेम कर सकते हो और पर्टिकुलर सेटलमेंट्स जो है वो अप्लाई नहीं होती हैं सेक्शन ट्वेंटी सिक्स डेट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट अगर आपको एरर है और उसको करेक्ट करना है और दोनों पार्टीज की रियल इंटेंशन थी तो वो डॉक्यूमेंट जो है जो इंस्ट्रूमेंट है आपका आप कोर्ट में केस करोगे और कोर्ट में केस करके आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो रियल इंटेंशन थी ओनली तब नेक्स्ट इज सेक्शन ट्वेंटी वन रेजिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेसिशन मतलब होता है पुटिंग एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट यस yes, वॉइडेबल है तो भी एंड कर सकते हो अनलॉफुल है तो भी एंड कर सकते हो गलत इंटेंशन से किया हुआ है तो भी एंड कर सकते हो कैंसिल नहीं होता है राटिफाई होता है थर्ड पार्टी गुड फेथ में होनी चाहिए अगर इनडिविजिबल है तो जो लीगल है वो वैलिड हो जाएगा जो लीगल नहीं है वो इनवैलिड हो जाएगा सेक्शन 28 कोर्ट के टाइमलाइन में पैसे नहीं दिए तो कैंसिल कर सकते हैं जैसे जैसे सपोजिटली मैंने बोला है कोर्ट ने बोला है कि आप इतने दिनों में ये काम कर दोगे और आप इतने दिनों में भी ये काम नहीं कर रहे तो कोर्ट ही कैंसिल कर देगा आपकी परफॉर्मेंस को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑल्टरनेट प्रेयर डेट इज सेक्शन ट्वेंटी नाइन ऑल्टरनेट प्रेयर सेक्शन ट्वेंटी नाइन कहता है ऑल्टरनेट प्रेयर फॉर रिसेशन इन यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि आप ऑल्टरनेट प्रे कर सकते हो कि uh, स्पेसिफिकली अगर वो इन्फोर्स नहीं है तो उसको रिजाइन कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं और कोर्ट को कहते हैं चलो डैमेजेस दिला दो सेक्शन थर्टी कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिजाइंडिंग टू डू इक्विटी मतलब कि अगर सपोज करो बिल्डर uh, और क्लाइंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था बिंडल ने कैंसिल करा कॉन्ट्रैक्ट को तो बिल्डर को रिफंड्स देने पड़ेंगे कॉम्पनसेशन देने पड़ेगा इसको बोलते हैं जस्ट एंड इक्विटी नेक्स्ट अब आ जाओ सेक्शन थर्टी वन डाट इज ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर इंस्ट्रूमेंट जो है आपका वॉइड void या वॉइडेबल है और रीजनेबल एप्रीहेंशन भी दे दी है और वो एप्रीहेंशन जो है उससे सीरियस इंजरी वगैरह हो रही है तो आप उसके उसको कैंसिल कर सकते हो सीरियस इंजरी होनी चाहिए वॉइड void, वॉइडेबल होना चाहिए और सर्कमस्टांसिस से दिक्कतें आनी चाहिए नेक्स्ट इज सेक्शन थर्टी फोर डिक्लेटिव डिग्री डिक्लेरेटिव डिक्री मतलब डिक्लेरेटिव डिक्री क्या होती है या जो जुडिशली एसर्टेन की जाती है पार्टी के राइट्स बताती है डिक्लेरेटिव डिक्री डिक्लेरेटिव डिक्री का ऑब्जेक्ट होता है टू रिमूव डाउट बाय हैविंग लीगल स्टेटस ऑफ एनी राइट्स डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट यस yes, कोई भी डाउट जो है वो रिमूव कर देना और जो कोर्ट कह रहा है उसको फॉलो करना कंडीशंस होती हैं प्लेंटिव मस्ट बी अ पर्सन इन टाइटल टू एनी प्रॉपर्टी डिफेंडेंट मस्ट बी अ पर्सन डिनाइंग प्लेंटिव्स टाइटल डिक्लेरेशन जो है वो डिक्लेरेशन प्लेंटिव इज इन टाइटल टू प्रॉपर्टी है और प्लेंटिव इज नॉट एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन मेयर डिक्लेरेशन जैसे डाइवोर्स लीगल कैरेक्टर ऑफ मैरिज लेजिटिमेसी लेजिटिमेसी स्टेटस ऑफ अडॉप्टेड सन प्रीस्ट ऑफ टेम्पल प्रिवेंटिव रिलीफ्स क्या होते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ्स होते हैं जो आपको प्रिवेंट करते हैं किसी काम को करने से जो आपको रोकते हैं उसी का एक पार्ट है इंजंक्शन इंजंक्शन इज अ प्रिवेंटिव रिलीफ जुडिशियल प्रोसेस होता है इंजंक्शन जुडिशियल प्रोसेस में आपको रेस्ट्रेन uh, किया जाता है कोई काम करने से इंजंक्शन हमारी टेम्प्ररी परफेक्चुअल मैंडेटरी होती है टेम्प्रेरी मतलब अगली हियरिंग तक जो इंजंक्शन आपको कही गई है किसी काम को ना करने के लिए कहा गया है वो होता है टेम्प्रेरी परफेक्चुअल मतलब होता है लास्ट कोर्ट का लास्ट डे और आज आपको कोई चीज मना करी गई है तो वो होता है परफेक्चुअल मैंडेटरी होता है आपको कंपेल है परफॉर्म करना ही करना है कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई ऑप्शन से आप बच ही नहीं सकते डैट इज मैंडेटरी एक होता है एक्स पार्टी इंजंक्शन एक ही पार्टी आई है कोर्ट में डिस्कशन करने तो एक ही पार्टी को सुनकर हमने कोई ऑर्डर पास किया है तो वो होता है एक्स पार्टी इंजंक्शन सेक्शन 41 में हम कहते हैं कि यहाँ यहाँ पे इंजंक्शन ग्रांट नहीं करी जाती टू रेस्ट्रेन फ्रॉम प्रोजिक्यूटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स

कोर्ट शुड बी अनेबल टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कोर्ट कह रहा है कि यार मैं एफोमेटिव तो तुझे नहीं करवा के दे पा रहा पर मैं जो नेगेटिव पार्ट था इसका वो करवा देता हूँ जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कॉन्सर्ट वाला कि कॉन्सर्ट होने वाला है और कौन आ रहा था कॉन्सर्ट में कोई आ रहा था मिस्टर एक्स कॉन्सर्ट देने आ रहा था उसने हमारा बीच में अग्रीमेंट तोड़ दिया पर अग्रीमेंट में हमने ये भी लिखा था कि आप छे महीने तक कहीं और भी गाना नहीं गाओगे तो कह कोर्ट कहता है मैं उसको कॉलर पकड़ के आपके यहाँ गाना गाने नहीं ला सकता पर मैं उसको ये कह सकता हूँ कि आप छह महीने दिल्ली में कहीं और गाना नहीं गाओगे तो कोर्ट कहता है एफोमेटिव मैं नहीं दिलवा पा रहा पर नेगेटिव मैं दिलवा देता हूं दिस एंड्स टू द चैप्टर एज वेल एज द रिविजन मैराथोन सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं Uh, आप लोग अब अच्छे से पढ़ना कहीं कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी यू कैन वॉच द वीडियो अगेन जो मेन चैप्टर वाली वीडियो थी वो आप दोबारा देख सकते हो अगर किसी चैप्टर के किसी पार्ट में डाउट है तो उस वीडियो को आगे करके आप वो चैप्टर देख सकते हो स्पेसिफिकली मुझसे आप पूछ सकते हो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है बहुत अच्छे से सारी चीजों को अच्छे से लिखना है एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम